my numbers, my even number, odd number, whole number, natural numbers. So again, I'm in front of you with your maths book as well as with good thought. I don't know whether it is good or not, but always positive words always gives a positiveness in our life. So there are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Game means secret ka koi success, success ka koi secret nahi hai. ये क्या है कि आपने कैसे प्रिपेयर किया है, कितना हार्ड वर्क किया है और कितना लर्न किया है अपने फेलियर से, कि मीन्स अगर कोई सी चीज को अचीव नहीं कर पाया उससे, उसमें कहाँ गलती हुई है, कहाँ मिस्टेक हुई है और कितना लर्न किया है. सिर्फ वही एक सीक्रेट है जिससे आप पता लग, आप अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं. सो दीज आर द वर्ड्स टू अचीव द सक्सेस, दीज आर द ट्रिक्स टू अचीव द सक्सेस, दीज आर द सीक्रेट्स टू अचीव द सक्सेस. Kindly focus on these words, focus on these traits and achieve your goals positively in your life. With this thought, let's start our maths work. Take out your maths book. We have done, we are doing chapter number 6, fraction, and we have done the addition of fraction. हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कर चुके हैं. टुडे वी विल डू द सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. सबट्रैक्शन करेंगे फ्रैक्शन का. सबट्रैक्शन भी मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने एडिशन किया था, बिल्कुल उसी तरह से. नो इट्स डन, हम कर चुके हैं, है ना. फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि किस तरह से करेंगे. फिर भी एक बार रिपीट कर देते किस तरह से करेंगे. लेट्स स्टार्ट. Let's start. एक बार इक्वल हो जाएगा डेट चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शंस सी वी विल डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे. This all work you have to do in your revision notebook as well as which notebook? Revision notebook में या फिर कोई practice notebook में करना. Because we have already done the exercise work, हम exercise work already कर चुके हैं, तो ये हम practice notebook में करेंगे. No, exercise 6 ही is more. We will do 6 ही करेंगे. 6 ही. It's not extra question. We will do exercise 6 ही. Question number 1. A. Solve the following. 5 upon 8 minus 1 upon 4. See. Steps same follow up होंगे जो हमने addition में करे थे. Unlike fraction है, means like में convert करेंगे, फिर करेंगे addition और subtraction. So first of all, take the LCM of 8 and 4. What is the LCM of 8 and 4? 8. फर्स्ट फ्रैक्शन लिया. अब देखो जो ये एलसीएम आया है 8 को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, मींस 8 से. तो जब 8 से 8 को डिवाइड करा क्या आंसर आया? 1 अपॉन 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट्स 5 अपॉन 8. सेकंड फ्रैक्शन लिया 1 अपॉन 4, 8 को 4 से डिवाइड करा, व्हाट इज द आंसर? 2. अब 2 से 1 अपॉन 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, इट्स 2 अपॉन 8. देखो हमारे पास लाइक फ्रैक्शन आ गया, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर मेट है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर मेट है. यहाँ देखो मेरे पास 5 अपॉन 8 माइनस 2 अपॉन 8, 8 एलसीएम होगा बिकॉज डिनोमिनेटर में 8 है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर चुके हैं. 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 8 एंड दिस इज द आंसर. एंड देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 3 एंड 8, इम्प्रॉपर भी नहीं है तो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते मिस फ्रैक्शन में, ठीक है. नेक्स्ट वन इज 2 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 9. बी पार्ट 2 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 9. अगेन टेक द एलसीएम ऑफ 3 एंड 9. एलसीएम लिया क्या आया? 9. इसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट फ्रैक्शन लिया 2 अपॉन 3, 9 को 3 से डिवाइड किया. जब डिवाइड करेंगे 9 को 3 से, 3 मीन डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन, तो क्या आंसर आएगा? 3.
मल्टीप्लाई कर दिया 3 अपॉन 3 तो 6 अपॉन 9 रिपीट विद द नेक्स्ट फ्रैक्शन 1 अपॉन 9 9 को 9 से डिवाइड करा 12 आंसर आया मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन 1 इट्स 1 अपॉन 9 अब डिनोमिनेटर सेम है सिंपल सबट्रैक्ट करेंगे 6 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 9 बच्चों ध्यान रखना है न्यूमरेटर को कभी भी ऐड और सबट्रैक्ट नहीं करते हैं हमेशा डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर को कभी भी ऐड और सबट्रैक्ट नहीं करते हमेशा न्यूमरेटर को करते हैं ठीक है तो 9 एलसीएम आ गया 6 माइनस 1 5 अपॉन 9 नाउ देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 5 एंड 9 और प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है इम्प्रॉपर नहीं है तो क्या करेंगे एज इट इज इसको छोड़ देंगे कुछ भी नहीं करेंगे नेक्स्ट इज सी पार्ट 9 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 10 मैं यहां कर रही हूं 9 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 10 एलसीएम लेंगे 5 एंड 10 का 10 अगेन सेम प्रोसेस सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन 9 अपॉन 5 10 को 5 से डिवाइड करा 2 आया 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 18 अपॉन 10 सेकेंड फ्रैक्शन लिया 3 अपॉन 10 10 को 10 से डिवाइड करा 1 आया मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन 1 से 3 अपॉन 10 देखो डिनोमिनेटर में 10 आ गया माइनस कर देते हैं 18 अपॉन 10 माइनस 3 अपॉन 10 आपको ये याद रखना है डिनोमिनेटर को माइनस प्लस नहीं करते हैं मत कर देना ठीक है जब सबसे पहले लाइव फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर 10 एलसीएम आ गया न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा इट्स 15 अपॉन 10 देखो अब कॉमन फैक्टर है 15 और 10 के बीच में क्या कौन सा कॉमन फैक्टर है 5 5 की टेबल में 15 भी आता है 5 की टेबल में 10 भी आता है कैंसिल कर देंगे 5 3s are 15 5 2s are 10 3 upon 2 अगेन इट्स ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं डिवाइड करते हैं लगभग मैं यहाँ कर रही हूँ आप भी मार्जिन कलर कर लीजिएगा 3 2 2 1 is 2 minus 3 minus 2 1 1 is the whole part होल पार्ट को रखेंगे साइड में एंड रिमाइंडर इज द न्यूमरेटर एंड डिवाइडर विल बी द डिनोमिनेटर 1 by 1 upon 2 दिस इज द आंसर इन दिस वे वी विल डू द एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन अगर अनलाइक है तो सबसे पहले लाइक में कन्वर्ट करेंगे किस तरह से एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का उसके बाद फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन का क्या करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा व्हाटएवर द आंसर विल कम विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय दैट आंसर आंसर आ गया सेम वी विल रिपीट द सेम स्टेप्स विद द सेकंड फ्रैक्शन एज अगर थर्ड दिया तो थर्ड के साथ भी करेंगे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा देन डू द एडिशन एंड सबट्रैक्शन व्हाटएवर इज आस्किंग द क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो